Hi, my name is Mary. Today FM plays the best music in Lambasa. Today FM rocks. My name is Thomas. I'm here in Nakasi and I like to listen to Today FM because it rocks. And my name is Milenia. Today FM rocks here in Singotoka. My name is Alfredi and Today FM rocks here in Tabua. My name is Mary Jane. I love listening to Today FM here in Ba. Today FM rocks. My name is Ilai Tiambal and I love listening to Today FM. Today FM rocks here in Osun. Today's hit music on Today FM. नमस्कार, फीजी समाचार दर्शन के साथ मैं हूं केतरीन कृष्णा। पॉलिटिकल पार्टीज को बताया गया है कि इस आम चुनाव के लिए वे जातीय और धार्मिक डिफरेंस का फायदा ना उठाएं। फीजियन इलेक्शंस ऑफिस, ह्यूमन राइट्स एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन कमीशन, मीडिया इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी और फीजी इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन ने पुष्टि की है कि पॉलिटिकल पार्टीज को कैंपेनिंग से जुड़े नियमों को अमल में लाना होगा। अथॉरिटीज के अनुसार लोग जातीय और धार्मिक डिफरेंस से जुड़े पोस्ट के विषय में उनसे शिकायत भी कर सकते हैं। लोग जो इस नियम का पालन नहीं करेंगे को $50,000 फाइन भरना पड़ेगा या फिर उन्हें 10 साल तक जेल की सजा भी हो सकती है। इस साल 14 नवंबर को आम चुनाव के लिए पहला बैच बैलेट पेपर्स प्रिंट हो गया है। कल रात लौदाला बीच स्थित फीजन इलेक्शंस ऑफिस वेयरहाउस में 20,000 बैलेट पेपर्स को प्रिंट किया गया। बैलेट पेपर्स को हैवी पुलिस गार्ड के निगरानी में ट्रांसपोर्ट किया गया था और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शंस मोहम्मद सनीम ने कहा कि बैलेट पेपर्स के ट्रैकिंग मैकेनिज्म ट्रांसपेरेंट हैं। उन्होंने कहा कि अब वो बैलेट पेपर्स को ट्रांसपोर्ट करना जारी रखेंगे जबकि सेम प्रोटोकॉल को इस्तेमाल में लाया जाएगा। इलेक्टोरल कमीशन ने एक ही दिन में कैंडिडेट ऑब्जेक्शंस और अपील्स को एड्रेस किया है लेकिन उनके पास 3 दिनों का समय था। ऐसा होने से कमीशन इलेक्टोरल प्रेपरेशन में समय से आगे है। सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शंस मोहम्मद सनीम ने पुष्टि की है कि प्री पोल के लिए बैलेट पेपर्स प्रिंट हो चुका है और सबसे पहले मैरीटाइम जोन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। प्री पोल वोटिंग नवम्बर 5th को शुरू होगा। और खेलकूद की खबरों में, फीजी एयरवेज ड्रुआ कोच सेनी रूसी से रिवकुला ने नेशनल रग्बी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में अपने लाइनअप में एक बदलाव को किया है। टीम इस साल सेमीफाइनल में अच्छा परफॉर्म करने की आशा करती है जबकि पिछले साल टीम की हार सेमीफाइनल में क्वींसलैंड कंट्री से 57-21 से हुई थी। अपिसलो में वंगा तांबू फुल बैक पोजिशन पर खेलते नजर आएंगे जबकि एनएलए मलेले बेंच पर रहेंगे। पेनी मतवालू सेरुपे पेली वुलरिका को रिप्लेस करेंगे जबकि पिछले सप्ताह उन्हें हैमस्ट्रिंग इंजरी हुआ था। ड्रुआ वाइकिंग से शनिवार को 4 PM लौतोका के चर्चिल पार्क पर खेलेगा। और ये थे आज के मुख्य समाचार। इन समाचारों को आप रेडियो फिजी 2 और मिर्ची FM पर भी सुन सकते हैं। शुभ रात्रि। Hi, I'm Nazrin from Missouri Jets. I love listening to Mirchi FM. Mirchi FM is hot. Mahen, rugby town Singatoka se. Singatoka am khali Mirchi baje. Mirchi bahut garam hai. Main Mala Lambasa se. Main hamesha radio Mirchi sunti hu. Mirchi FM, it's hot. Hamara naam Munindra hai aur hum Malele Taba mein rehta hai. Aur every time I'm Mirchi FM sunta hai. It's really good. My name is Jitin Narayan. I'm from Nakasi. I love listening to Mirchi FM because Mirchi FM is hot. Mirchi FM. It's hot.